हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाले हैं। यूं तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बट उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें नर्स्ड इक्वेशन, उसके एप्लीकेशंस, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और खरास लॉ, इतना आपको मिनिमम करके जाना है इस चैप्टर में, राइट। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स खुद में एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है, ग्राफ करते जाओगे। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आपके एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो इतना मिनिमम इस चैप्टर में भी आप कर लोगे, साथ में एक आध न्यूमेरिकल भी देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल। अगला चैप्टर हमारा है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में तो देखो, एक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ग्राफ है फ्रेडरिच वाला, फिर है टाइप्स ऑफ कोलोइड, वो पढ़ के जाना, ठीक है। और जो थर्ड टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है, हार्डी रूल जो है, वो आप करके जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, बट ऊपर के जो दो है टाइप्स ऑफ कोलोइड और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ के जाना है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन होता है, ठीक है, और वहाँ पे दो चार एक्सेप्शन है, उसको भी आप करके जाओगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते हैं, तो उसका जो आयुपैक नोमेनक्लेचर है वो करके जाओगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लेना, इतना आप यहाँ पर भी कर लेना, नोमेनक्लेचर से याद रहे क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर नेम रिएक्शंस बहुत सारे हैं, तो उसमें जो रिपीटेडली पूछे जाने वाले नेम रिएक्शंस हैं बच्चों, वो है कैलिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, वुल्फ किशनार्ड रिडक्शन और क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो इतने रिएक्शंस आप मिनिमम देख के जाओगे। फिर कुछ टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन आपको टॉलेंस टेस्ट, आयरोफॉर्म टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, ये तीन टेस्ट पढ़ के जाना है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज अमाइंस। अमाइंस में भी आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर आना चाहिए, राइट। इसके बाद इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना अमाइंस का, वो पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो आपको आना है। और जो नेम रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस में, आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अमाइंस, एंड कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है, ये दो रिएक्शन आप एट लीस्ट करके जाओ, ठीक है। इसके अलावा मैंने हर चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर वीडियोज़ बना दिए हैं, और उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी, आप वहां से जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती